अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए आप आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ट्रंप, उन्होंने इसके जवाब में कहा, हम इसके निकट हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य समझ की बात है और यह खर्चीला भी नहीं है। ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना अंतिम विकल्प है। वॉशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में अवैध आवृजकों को आने से रोकने के लिए अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अपनी विवादित अमेरिका मेक्सिको सीमा दीवार योजना के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से ट्रंप ने बृहस्पतिवार को टेक्सास का दौरा किया। इस दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह आपातकाल घोषित करने वाले हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा, हम इसके निकट हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य समझ की बात है और यह खर्चीला भी नहीं है। ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना अंतिम विकल्प है। उन्होंने धमकी दी थी कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता दीवार के लिए 5.7 अरब डॉलर की राशि आवंटित नहीं करते हैं तो वह आपातकाल लागू कर देंगे। ट्रंप बुधवार को डेमोक्रेटिक नेताओं, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सीनेट में अल्पमत के नेता शक श्यूमर के साथ इस मामले पर हुई बैठक बीच में ही छोड़कर आ गए थे, जिसके बाद से आपातकाल लागू करने की ओर उनका झुकाव बढ़ गया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को टेक्सास में संवाददाताओं से कहा, मैं व्यापक स्तर पर आव्रजन सुधार करना चाहता हूं, इसमें समय लगेगा, यह जटिल काम है, यह 30-35 साल से चल रहा है, लेकिन आव्रजन सुधार से पहले हमें अवरोधक बनाना होगा। हम ऐसा जल्दी कर सकते हैं, ट्रंप ने कहा, हम राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं।